सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस्लाम नगर में दबिश देकर मोहम्मद आसिफ को पकड़कर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर 64 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से एक एकड़ 60 डिसीमिल का सौदा कर रुपए लेने के बाद रजिस्ट्री करने के नाम पर आनाकानी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने पीएम आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंच बताकर एक युवक से 4 लाख रुपए की ठगी की थी। 6 माह तक चक्कर काटने के बाद भी मकान नहीं मिला तो युवक मामले की शिकायत करने थाने पहुंच गया। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने घर से चोरी हुए आभूषण के मामले को लेकर नौकरानी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। महिला का नाम पूजा रोहित दास मानिकपुरी है। महिला के खिलाफ मकान मालकिन संगीता करोसिया ने शिकायत की थी। राजनांदगांव जिले के अम्बागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम भंसुला में शादी समारोह चल रहा था। बारात निकलने की तैयारी चल रही थी कि तभी दूल्हा टोमन सिन्हा फरार हो गया। दंतेवाड़ा जिले में माओवादी ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए एक ग्रामीण की हत्या कर दी और देर रात करीब 8 से 10 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक बाइक अड़ाकर महिला बैंक कर्मी को रोक लिया और हाथ पकड़ के खींचने लगा, फिर बाइक में बैठाने की कोशिश की। महिला के साथ युवक की इस हरकत को देखकर भीड़ ने उसको जमकर पीटा और पुलिस बुला ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर जिले की देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने श्री कृष्णा ज्वेलर्स में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 30 ग्राम सोना, 5 किलोग्राम चांदी तथा चोरी की रकम से आरोपी हेमंत जगत द्वारा क्रय किया गया एक नग मोटरसाइकिल जुमला कीमत लगभग 5 लाख रुपए जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की है। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक बार फिर एक इंजीनियर का अपहरण कर लिया। इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण के चल रहे काम में एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंजीनियर मजदूरों से काम करवा रहा था। इसी बीच नदी पार से अचानक माओवादी पहुंचे और इंजीनियर को अगवा कर ले गए। बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने वाले केबल ऑपरेटर व उसके दोस्त को पुलिस ने 525 सीसी कोडीन युक्त सिरप फेसिकॉप के साथ गिरफ्तार किया है। केबल ऑपरेटर एमपी के कटनी से ट्रांसपोर्टिंग के जरिए सिरप मंगवाता था। जसपुर जिले की लोदाम चौकी की कतिंग गांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। उसे पति पत्नी ने मिलकर इस्तेमाल किया क्योंकि वो उनकी काटी हुई लकड़ी को काट कर ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर में बाइक सवार बदमाशों ने देर रात बीच सड़क पर ट्रक रुकवा कर लूट ली। बदमाश भागने लगे तो ड्राइवर ने शोर मचाया। इस दौरान पीछे से आ रहे अन्य ट्रक ड्राइवरों ने बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कवर्धा जिले की चिल्पी पुलिस ने शुक्रवार को मारुति रिट्स कार में गांजे की तस्करी करते हुए अंतरराज्यीय तस्कर मथुरा उत्तर प्रदेश निवासी विष्णु सिंह को पकड़कर 50 किलो 720 ग्राम गांजा जब्त किया है। शुक्रवार को अंतरगढ़ नदी में चेन माउंटेन से हाईवा जैसी बड़ी गाड़ियों द्वारा रेत परिवहन का कार्य किया जा रहा था, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने देखा व वाहनों को रोक लिया गया व स्थानीय प्रशासन को बुलाकर कार्रवाई की मांग की गई। महासमुंद जिले के बागबहरा में शुक्रवार दोपहर यात्रियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। अनियंत्रित होकर पिकअप के पलटने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 21 लोग घायल हो गए, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के 21 युवक से 75 लाख रुपए लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भृत्य के पद में नियुक्ति के संबंध में फर्जी नियुक्ति आदेश देने वाले गिरोह के कोमल महानदिया, उसके पुत्र आकाश महानदिया तथा सुरमपल्ली साई श्रीनिवास एवं उमेश कुमार दिव्य को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले के लैलुंगा थाना प्रभारी निरीक्षक आरएनएस साय को मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रक से मवेशियों को ठूस ठूस कर भरकर लारी पानी से लैलुंगा की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसमें भरे 30 मवेशियों को बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में संतोषी नगर ओवरब्रिज पर शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई एवं एक गंभीर रूप से घायल है। हाउसिंग बोर्ड निवासी पति पत्नी पावर हाउस मार्केट से बाजार कर स्कूटी से अपने घर की तरफ लौट रहे थे कि तभी पीछे से आ रही 12 चक्कर ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दिवाकर सहारे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी पंचफुला सहारे गंभीर रूप से घायल हो गई है। हनोदा रोड में पुल निर्माण कार्य हेतु सुशील चांडलक के अमर बिल्डर कंपनी द्वारा रखे गए लोहे की सरिया में 8 mm के 17 बंडल की चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पंडापुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर 10 लाख कीमत का सरिया बरामद किया है। कोरबा जिले की बालको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन में लोहे के सरिया बेचने के फिराक में घूम रहे युवक को घेराबंदी कर रिजदा रोड में पिकअप वाहन सहित पकड़कर 1 टन चोरी का सरिया जब्त किया है।